केदारनाथ पैदल मार्ग से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर कोई डर जाए। भीमबली के पास में जहां बीते दिनों बादल फटने की घटना सामने आई थी, वहीं रविवार को अचानक देखते ही देखते पूरी की पूरी पहाड़ी मंदाकिनी नदी में समा गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी पहाड़ी पल भर में नीचे आ गई और बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी में भारी मात्रा में मलबा गिरने से उस समय झील जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि अब आपदा प्रबंधन का कहना है कि वहां धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने जा रही है और फिर भी अलर्ट जारी किया गया और लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। छिनका के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण कल दोपहर से ही हाईवे बंद चल रहा था। हालांकि रोड पर अभी भी कीचड़ है। आपको बता दें कि छिनका के पास में दोपहर में पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया और मलबे के साथ हरे भरे पेड़ भी टूट कर नीचे गिर गए। जिस समय छिनका के पास भूस्खलन हुआ, उस समय चारधाम यात्री भी वहां पर थे। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। श्रीनगर में सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर अचानक से बिजली अलकनंदा नदी के किनारे गिरी। गनीमत ये रही कि बिजली मंदिर से कुछ दूरी पर गिरी, जिससे कोई हादसा होने से बच गया। लेकिन इस दौरान श्रीनगर नेशनल हाईवे से जुड़ने वाली नगर निगम की एक सड़क 50 मीटर हिस्सा जिसका टूट गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकास नगर में भारी बारिश के शिमला बाईपास रोड पर कई जगह पर रपटों पर पानी का सैलाब आ गया। हसनपुर कल्याणपुर में सड़क पर बरसाती नाला आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है। वहीं कई लोग पानी के तेज बहाव को पार करते हुए नजर आए, लेकिन इस तरह से पानी के उफान को पार करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर आए बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। नैनीताल में स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्कूली बच्चे नदी को पार कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वीडियो नैनीताल के बेताल घाट के कटनी गजार का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, ये वीडियो बेताल घाट का ही है। उत्तरकाशी में मोरी के तालुका सांकरी सड़क में तेज बारिश के बाद में नदी पर जो पुलिया बनी थी वो बह गई। पुलिया बहने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे बल्लियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिया नहीं होने से लोगों को ऐसे ही आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं लोगों का यह भी आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश के बाद में बंद हो गया। छिनका और नंदप्रयाग के पास में मार्ग पर मलबा आने से बंद हो गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले यात्री रास्ते में फंस गए। वहीं हाईवे खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन अब चौमासी से केदारनाथ धाम तक पुराने पैदल मार्ग को विकसित करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन की टीम ने कल मार्ग का निरीक्षण किया। जल्द ही इस मार्ग को आने जाने के लिए बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मार्ग को विकसित करने के पीछे मुख्य मकसद आपदा की घटनाओं के दौरान वैकल्पिक रास्तों के तौर पर इस मार्ग का इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि कुछ समय पहले स्थानीय लोग नियमित आवाजाही करते थे, लेकिन अब आवागमन काफी कम हो गया है और अब मार्ग को विकसित किया जाता है तो इस मार्ग पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा।
और रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, रास्ते को लेकर किस तरह की अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अगर वो रास्ता बनाया जाता है तो ऐसे में लोगों की आवाजाही भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और एक तरह से लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। जी बिल्कुल अमनदीप, आपको बता दें क्योंकि जो पैदल मार्ग है केदारनाथ का, वो अब तक जो केदारनाथ का जो पैदल मार्ग उपयोग में आता है वो गौरीकुंड से और केदारनाथ का है, क्योंकि वो 16 से 17 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। और हाल ही में आपने देखा वहाँ पे लगातार आपदाएं बढ़ी हैं, 2013 में भी काफ़ी आपदाएं हैं, इससे मार्ग भी डैमेज हुआ है और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आवागमन है वो भी रुका है। हालांकि मुख्य मार्ग अभी गौरीकुंड केदारनाथ का ही है और पिछले दिनों फिर से उसमें आपदा आई है। कल भी एक वीडियो जारी किया था वहाँ पे हमने, न्यूज 18 में दिखाया था कि जो भीमबली वहाँ पे बहुत लगभग 50 से 70 मीटर की जो पहाड़ी है वो पूरे दरक कर पूरे नीचे रास्ते को तबाह करते हुए मंदाकिनी नदी में जा समाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी ये चाह रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम जैसा विश्व प्रसिद्ध धाम है और लगातार हर बार यहाँ लाखों यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं अब आपदाओं के दौरान कहीं मार्ग बाधित होता है या कोई दिक्कतें आती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक मार्ग होना जरूरी है जहाँ से यात्रा भी चलती रहे और आपदा की घटनाओं के दौरान वहाँ से लोगों को निकाला जा सके या वहाँ से लोगों का आवागमन सुरक्षित हो सके। तो इसको देखते हुए जो चौमासी है गाँव है और वहाँ से केदारनाथ तक लगभग लंबा ट्रैक है, हालांकि लगभग 17 से 18 किलोमीटर से अधिक का ट्रैक है ही, लेकिन यहाँ पर एक सुरक्षित ट्रैक है जी, यहाँ पर लगातार कार्य किया जा रहा है और अब इसको तुरंत ही इसको भी सक्रिय और विकसित किया जाएगा इस ट्रैक को। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सावन के पावन महीने का आज चौथा सोमवार है, शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन भी देखी जा रही है। जागेश्वर धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही जलाभिषेक भी किया जा रहा है। के अनुसार यह है कि इस धाम में, इस मंदिर के अंदर श्रावण मास में विशेषतः जो निसंतान महिलाएं रहती है रात पर हाथ में दिया लेके तपस्यारत रहती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। और इस कैंपस के अंदर 125 मंदिर का समूह है जिसमें 5 मंदिर मुख्य हैं। और अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। किशन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और साथ ही अल्मोड़ा वासी किस तरह से आज भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं? अमनदीप, मैं आपको बताऊं कि पहाड़ के हिसाब से सावन माह का आज अंतिम सोमवार है, क्योंकि अगला सोमवार 19 को पड़ेगा, उससे पहले ही जो है 16 को घी संक्रांति हो जाएगी। तो पहाड़ के हिसाब से अंतिम सोमवार है आज, जो है जलाभिषेक करने के लिए, पार्थिव पूजा करने के लिए, अन्य जप तप करने के लिए लोग जो है शिव के मंदिरों में जा रहे हैं। जागेश्वर धाम जो है मुख्य धामों में से है अल्मोड़ा में, जहाँ कुमाऊं वर्ग के लोगों के साथ देशी विदेशी लोग भी यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शंकर को जलाभिषेक के साथ जो है पार्थिव पूजा करते हैं। पार्थिव पूजा का विशेष महत्व सावन के मास में माना गया है, जो संतान प्राप्ति के साथ जो है रोगों के लिए और धन धान्य के लिए यहाँ पर पार्थिव पूजा की जाती है, अलग अलग तरह के पूजाएं की जाती है, अलग अलग तरह के तप किए जाते हैं। और सुबह से ही, मैं आपको बता देता हूं कि सुबह से ही लोग जो है भगवान जागन्नाथ के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और माना जाता है कि शंकर को जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अमनदीप, बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड की जो परंपरा है उसके हिसाब से आज आखिरी सोमवार है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और सियासी सरगर्मियों पर लगाम लगाने के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव और साथ ही गैरसैंण सत्र के मद्देनजर बीजेपी जल्द ही अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुला सकती है। इस मीटिंग में बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव तक की अपनी रणनीति पर मोहर लगा सकती है। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद खासतौर पर बीजेपी के अंदर का सियासी माहौल बदला हुआ है और इसी बदलाव के बीच अब केदारनाथ उपचुनाव अगला बड़ा टारगेट होने वाला है। इस बीच निकाय चुनाव भी सिर पर हैं, तो पार्टी के भीतर कैबिनेट विस्तार और दायित्व बांटने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। केदारनाथ में उतरने से पहले बीजेपी को ये सभी मुद्दे साधने होंगे और इसके लिए बीजेपी जल्द ही अपनी कोर ग्रुप मीटिंग बुलाने वाली है। इसमें केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर संगठन और सरकार के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव हो चाहे केदारनाथ का बाई इलेक्शन हो, हम दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हमारी एक बैठक हम लोग करने वाले हैं, चुनाव प्रबंधन की बैठक हम करने वाले हैं और नगर पालिका नगर निगमों के लिए जो हमें प्रयोगशक की टोली बनानी है वो बहुत जल्दी उसको घोषित कर देंगे। वो सभी जनपदों में जाकर, नगर निगम क्षेत्रों में जाकर अपनी तैयारियों को और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। कि इस अगस्त महीने में हमारी कोर टीम की बैठक होगी, इसी के साथ में हमारी प्रदेश की टोली है,
प्रदेश की टोली भी महीने में एक बार बैठती है और चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, केदारनाथ विधानसभा का चुनाव है, इस पर रणनीति बनाने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव में कैंडिडेट के नाम पर इंटरनल तौर पर सबकी सहमति ले ली जाएगी तो दायित्व आवंटन पर भी अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। नगर निगम और निकायों में अध्यक्ष पद के दावेदारों पर भी निर्णय ले लिए जाने की संभावना है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सैनिक कल्याण में सरकार की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों और घोषणाओं के लिए पूर्व सैनिकों ने सीएम धामी को सम्मानित किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रतिबद्ध है। और देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की मीटिंग आज होगी। शाम 4 बजे प्रभारी शैलजा मीटिंग लेंगी और प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा, यशपाल आर्य मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 20 विधायक हैं। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार से बड़ी खबर सामने आई जहां पर विश्वविद्यालय पर आरोप लगे हैं कि उसने आरक्षण रोस्टर को मनमाने ढंग से बदलकर करीब 82 पदों पर अपने चहितों को नियुक्त कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार एक बार फिर से विवादों में है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित इस यूनिवर्सिटी में विभिन्न फैकल्टी में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर तीसरी बार नियुक्ति निकाली गई है, लेकिन चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने चहेतों को नौकरी देने के लिए आरक्षण रोस्टर ही बदल डाला। एससी के लिए रिजर्व पद को सामान्य कर दिया गया, जबकि सामान्य कैटेगरी के पद को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी तरह एससी के लिए आरक्षित एक पद को सामान्य महिला कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इन भर्तियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे बड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मानकों को ताक पर रख के अंजाम दिया है। कुलपति ने बिना शासन से अनुमति लिए पुराने विज्ञापित रोस्टरों में बदलाव किया और अपने चित परिचित लोगों के हिसाब से रोस्टर को बदल कर अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों और अपने खास बंदों को जो है वहां पर भर्ती प्रक्रिया में बुलाकर, इंटरव्यू में बुलाकर उनको नियुक्त कर दिया। कांग्रेस ने भी लगे हाथ नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए, साथ ही विभागीय मंत्री गणेश जोशी को ही विवादित करार दे दिया। तो मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय सचिव को जांच के आदेश दे दिए हैं। और रातों रात अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करके ये कहा जाता है सोमवार को जो है ज्वाइनिंग कर लीजिए, तो ये एक जांच का विषय है। और वैसे भी ये विवादित मंत्री जी का एक विभाग है जिसमें हॉर्टिकल्चर के कई मामले पहले आ चुके हैं, सैन्य धाम का मामला आया है और ये भरसारी अगर कहीं नियम के विरुद्ध अगर निर्णय लिया होगा तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये धामी टू की सरकार है। हमने हर प्रकार के मामलों में व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स। साल 2011-12 में स्थापित भरसार यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। यही कारण रहा है कि पिछले एक दशक से यहाँ रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। फिलहाल मामला विभागीय मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर भरसार विश्वविद्यालय ने पूरे मामले में सफाई दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव का कहना है कि जो लिस्ट प्रचारित की गई है वो लिस्ट भ्रामक है और साजिश के तहत प्रसारित हो रही है, क्योंकि रिजल्ट 9 अगस्त को जारी किए गए थे और सभी को लेटर भेजा चुके हैं और 12 अगस्त को ज्वाइनिंग होनी है।
पहली बात तो ये है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, 9 तारीख को 2 बजे के करीब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे और माननीय प्रबंध परिषद की बैठक हुई, उसमें रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे। समस्त जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको चिट्ठियां जा चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो लिस्ट है, जो भ्रामक लिस्ट प्रचारित की जा रही है, यह झूठ है, यह शरारतपूर्ण है, झूठ है, इसमें कोई आधार नहीं है। पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम बनाने की कवायद इन दिनों जोरों पर है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। आलम यह है कि कांग्रेस जहां निगम बनाने का पुरजोर विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की सियासी चाल पर उसे ही घेर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है। राज्य बनने के बाद यहाँ की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम ये है कि इस वक्त पिथौरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 90,000 से ज्यादा है। लगातार बढ़ रही आबादी को देखते हुए सरकार पिथौरागढ़ पालिका को निगम में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश को परवान चढ़ाने के लिए शासन ने स्थानीय प्रशासन से प्रस्ताव तक मंगवा लिए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की इस कवायद का पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार की इस पहल को कांग्रेस निकाय चुनाव लटकाने से भी जोड़ रही है। उसको अपनी राजनीतिक दुविधा बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार और देश केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदेश में और प्रदेश में माहौल बन रहा है, तो उन्हें लगता है कि हम इस प्रदेश में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, कोई भी निकाय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कोई भी पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो इसको टालने के लिए इन्हें ये फरमान निकाला है। कांग्रेस की माने तो नगर निगम में शहर से सटे गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों को नुकसान उठाना होगा। यही नहीं, लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। नगर निगम की पहल के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर भी उतर चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के विरोध पर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की माने तो कांग्रेस का विरोध सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि पालिका का निगम बनने से जहां बजट में भारी इजाफा होगा, वहीं विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। निगम बनाने पर संसाधन बढ़ते हैं, क्षेत्र बढ़ता है, उसका विकास होता है, केंद्र से भी निगमों को पैसा मिलता है, जिससे यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाओं के विकास होने का पूरा संभावनाएं रहती हैं। निगम बनने से दूर दूर तक किसी की हानि नहीं होने वाली है, ये इनका एक राजनीतिक शिवगुफा है। पालिका को नगर निगम बनाने की कोशिश कब परवान चढ़ेगी, ये कह पाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि कांग्रेस के विरोध को सरकार अहमियत देती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर तीज के उपलक्ष्य में सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह की पत्नी गुरमीत कौर शामिल हुई। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी और गुरमीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी सावन उत्सव कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां तीज पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के लोकगीत और लोक नृत्य भी शामिल रहे। कार्यक्रम में गीता धामी ने सभी मेहमानों को पौधा भेंट किया और साथ ही तीज क्वीन प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। और हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ ही हाथियों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगर के कॉर्बेट में हाथियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पूरे शिवालिक बेल्ट में हाथियों का कॉरिडोर है, लेकिन समय के साथ इंसानों की बढ़ती आबादी और उसके विकास ने इसके कई कॉरिडोर बंद कर दिए हैं। ऐसे में बचे हुए कॉरिडोर को बनाए रखना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। विगत कुछ वर्षों में हालांकि जो है विकास की वजह से वो कॉरिडोर बाधित हुए हैं,
और उसके लिए सरकार भी प्रयासशील है। हालांकि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व घोषित जरूर किया गया है, परंतु जो विकास परियोजनाएं, चाहे उसमें सड़कों का निर्माण हो, चाहे रेलवे लाइन का निर्माण हो, या फिर जो कस्बे थे वो महानगर बन गए हैं, उससे आवागमन बाधित हो रहा है। कॉर्बेट में 1976 की गणना में 128 हाथी थे, जो 2020 में बढ़कर 1226 हो गए। ऐसे में विभाग भी इनके कॉरिडोर बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, ताकि हाथियों की मूवमेंट आसानी से हो सके। PIL 164 केस चल रहा है नैनीताल हाईकोर्ट में, जहां पर जो भी एलिफेंट कॉरिडोर है उसको इको सेंसिटिव जोन चिन्हित करने का भी कार्रवाई चल रही है। उसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में भी कॉरिडोर्स को संरक्षित करने के लिए फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के नाम पे एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जहां पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रामनगर डिवीजन और इवन अल्मोड़ा डिवीजन में ये इन्हीं एलिफेंट कॉरिडोर्स में काम कर रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथी भी खूब फले फूले हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण कॉर्बेट में इनका नेचुरल हैबिटेट बने रहना है। लेकिन अब इनके कॉरिडोर को बचाने की भी जरूरत है। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।